पूरे देश में 4 दिन की छठ पूजा की आज यानी कि 28 अक्टूबर से शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो छठ भारत में सभी जगहों पर मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में इसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बिहार, यूपी समेत राजधानी दिल्ली में इस त्योहार की एक अलग ही तैयारियां देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप दिल्ली में छठ पूजा मनाने जा रहे हैं तो खासतौर पर यदि आप यमुना पार के आसपास हैं तो आपको इस बार छठ पूजा को लेकर कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा कि आप छठ की पूजा कहाँ और कैसे कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो राज्य सरकार ने छठ पूजा मनाने वालों के लिए खास इंतजाम कर ही रखे हैं। जगह जगह घाट आदि बनवाए गए हैं और इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने भी श्रद्धालुओं के लिए कई इंतजाम किए हैं। कई जगहों पर श्रद्धालुओं के लिए घाट बनवाए गए हैं। हर तरह की परेशानी को दूर करने के लिए प्रशासन ने कई इंतजाम किए हैं। दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने भी 27 अक्टूबर को दिल्ली में छठ पूजा आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिल्ली में छठ पूजा समारोह के सभी करीब 1100 स्थलों पर सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो। इस बार यमुना के किनारे बनाए गए कृत्रिम घाटों पर पूजा हो सकेगी। इन्हीं घाटों के पानी में खड़े होकर व्रती इस बार सूर्य को अर्घ देकर अपने व्रत को पूरा करेंगी, लेकिन नदी के पानी में जाने की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि यह इसलिए किया जा रहा है कि यमुना के कई घाटों पर दलदल है, जिससे श्रद्धालुओं को वहां पहुंचने में परेशानी हो सकती है। हालांकि यमुना नदी में प्रदूषण की वजह से जगह जगह झाग भी देखने को मिल रहा है। नदी का पानी और भी प्रदूषित हो गया है। 27 अक्टूबर को भी यमुना जहरीले सफेद झाग से भर गया है, जिसको लेकर भी श्रद्धालु चिंतित हैं। इस बार श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की पूजा का सामान यमुना नदी में बहाने से सख्त मना किया गया है। सभी जिलों के डीसीपी को सुनिश्चित करने को कहा गया है कि यमुना नदी के तट पर बैरिकेडिंग हो और प्रदूषण मुक्त उत्सव के लिए कृत्रिम घाटों का निर्माण उचित तरीके से किया जाए। साथ ही पूजा से जुड़ी कोई भी सामान यमुना नदी में ना बहाएं। ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि यमुना नदी की जो मुख्य धारा है उसमें कोई भी सामान ना मिले। इसकी जगह कृत्रिम तालाबों में सभी इंतजाम किए जाएं। दिल्ली में छठ पूजा प्रबंधन और सुरक्षित आयोजन के लिए राजस्व विभाग नोडल विभाग है। राजस्व विभाग सभी 1100 पूजा स्थलों पर टेंट, कुर्सी, टेबल, लाइटिंग, साउंड सिस्टम, सीसीटीवी, एलईडी स्क्रीन, पावर बैकअप आदि जैसी जरूरतों को पूरा करेगा। इसके अलावा राजस्व विभाग दिल्ली सरकार के अन्य विभागों के साथ कोऑर्डिनेट कर आवश्यक जरूरतों को पूरा करेगा। व्रतियों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं और एम्बुलेंस की तैनाती भी की जाएगी। मोबाइल शौचालय वैन के लिए डूसिब और सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस और साफ सफाई के लिए एमसीडी जैसी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा। वहीं सरकार के मुताबिक जो घाट छठ पूजा के लिए तैयार कराए जा रहे हैं, श्रद्धालु उन्हीं में ही सामान को बहाएंगे ताकि असुविधा ना हो। वहीं अगर किसी ने भी इस आदेश को तोड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा। इसलिए आप छठ की पूजा करते समय इन खास बातों का ध्यान रखें।